Assalamualaikum students, hope you're all doing well. My name is Tanveer Ali and you are watching Tanveer Ali Arab channel. Students, आज हम discuss करने जा रहे हैं 9th class का paper pattern. 9th class का जो English का paper है वो कैसे आता है, आज हम ये discuss करेंगे. तो इसके जो total marks होते हैं 9th class के English के paper के, वो होते हैं 75 marks. और जिस जो objective होता है वो 19 number का होता है और subjective 56 marks का. ठीक है, 19 और 56 को आप प्लस करें तो ये 75 बन जाते हैं. अब देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जो चार पोर्शन होते हैं एमसीक्यू के, जिसमें पहला पोर्शन होता है फॉर्म ऑफ वर्ब का. इसमें हमारे पास एमसीक्यू दिए जाते हैं जिसमें हमने सेलेक्ट करनी होती है फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट होते हैं करेक्ट स्पेलिंग, ये हमारे पास 1 × 5 फाइव मार्क्स के होते हैं, यानी 5 एमसीक्यू होते हैं और एक नंबर का एक होता है, टोटल हो गया हमारे पास 5. नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग, ये हमारे पास होते हैं 1 × 4 चार एमसीक्यू होते हैं, यानी चार स्पेलिंग लिखे गए होते हैं, हमने करेक्ट वाला सेलेक्ट करना होता है. थर्ड हमारे पास आते हैं सिनोनिम्स, यानी वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं, अल्फाज मुतरादिफ जिसको उर्दू में कहते हैं, और ये भी हमारे पास 1 × 5 ही होते हैं, 5 आते हैं और एक नंबर का एक होता है. और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो होता है ग्रामर का, और ग्रामर में भी हमारे पास 5 एमसीक्यू ग्रामर के आते हैं और एक नंबर का एक होता है. इसमें से जो मोस्टली एमसीक्यू आते हैं वो या तो फ्रेजेस में से आते हैं, या क्लॉजेस में से, या पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, या फिर वर्ब्स में से ज़्यादातर आते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, जेरंड, इन्फिनिटिव, ये सब इसमें ज़्यादा आते हैं. नेक्स्ट सब्जेक्टिव को देखें तो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारे पास वो होता है शॉर्ट आंसर्स. टोटल इसमें हमारे पास होते हैं 8 क्वेश्चन, 8 में से हमने करने होते हैं 5, दो नंबर का एक होता है, तो 2 × 5. और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास होता है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू. ये वाला जो पैराग्राफ है हमारे पास बुक्स में से आते हैं, टोटल होते हैं हमारे पास 3 पैराग्राफ, 3 में से हमने 2 करने होते हैं, तो ये आप ऐसे समझ सकते हो 4 + 4, 8 नंबर के 2 पैराग्राफ हमने करने होते हैं इसमें से. नेक्स्ट हमारे पास आती है समरी या स्टेंजा. स्टेंजा को भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें समरी अटेम्प्ट करते हैं, ये होती है 5 नंबर की. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये हमारे पास होते हैं वर्ड सेंटेंसेस. हमें वर्ड्स दिए जाते हैं, हमने उनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो ये भी हमारे पास 1 × 5, 5 करने होते हैं और एक नंबर का एक होता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमारे पास एक स्टोरी होती है, एक डायलॉग होता है और एक लेटर होता है, तो हम तीनों में से कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं, और ये भी 1 × 8, यानी एक करना होता है और वो 8 नंबर का होता है. क्वेश्चन नंबर 7 कम्प्रीहेंशन पैसेज. कम्प्रीहेंशन पैसेज एक पैराग्राफ हमें दिया जाता है, उसके अंदर से हमने क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने होते हैं. कम्प्रीहेंशन पैसेज ये भी हमारे पास 10 मार्क्स का होता है, इसमें 5 सवाल करने होते हैं, 5 ही गिवन होते हैं, 2 मार्क्स का एक होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास होता है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश. हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं उर्दू में लिखे हुए होते हैं, उन्हें हमने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, तो ये भी 1 × 5, यानी कि 5 करने होते हैं और एक नंबर का एक होता है. और लास्ट में हमारे पास आते हैं एक्टिव पैसिव, तो ये भी हमारे पास 5 नंबर के होते हैं, 5 नंबर के हमने करने होते हैं और एक नंबर का एक होता है. इसमें जो एक बात है ना कि कुछ सेंटेंसेस हमें एक्टिव वॉइस में दिए होते हैं वो हमने पैसिव वॉइस में करने होते हैं, और कुछ हमें पैसिव वॉइस में दे दिए जाते हैं, उनको हमने कन्वर्ट करना होता है एक्टिव वॉइस में. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा. अब नेक्स्ट जो है फर्स्ट चैप्टर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़.